अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मुक्सित अजीज एंड आई वेलकम यू टू गौहर पब्लिशर्स। आवर मोटो इज रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू गौहर मैथमेटिक्स फॉर क्लास 5, चैप्टर नंबर 2, HCF एंड LCM। एंड द टॉपिक वुड बी HCF ऑफ 2 to 3 नंबर्स। जी, तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि है फाइंडिंग द HCF ऑफ 2 and 3 नंबर्स अप टू 2 डिजिट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। तो हमारे पास सबसे पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने पहले भी किया और डिवीजन मेथड भी हमने कर लिया है। लेकिन अब उससे हमने HCF किस तरह फाइंड करना है, ये एक नेक्स्ट हमारा स्टेप है। तो लेट अस फाइंड, एग्जांपल नंबर 1 है, लेट अस फाइंड द HCF ऑफ 30 and 60। ये एग्जांपल हमारे पास 1 है, तो इसके 30 और 60 के हमने प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पर आपको शो किया है। 30 के प्राइम फैक्टर्स और 60 के प्राइम फैक्टर्स उन्होंने यहाँ पर बना लिए हैं, और ये आपके पास दोनों के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अब HCF होता क्या है कि प्राइम फैक्टर्स जो इस नंबर के भी हों और इस नंबर, दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपने नोट डाउन कर लेने हैं। जैसे ये 2 और 2 कॉमन है, उसके बाद यहाँ 2 है लेकिन इधर 2 नहीं है, और 3 और 3 भी कॉमन है, और इसी तरह 5 और 5 भी आपके पास कॉमन है। तो हमारे पास 3 कॉमन फैक्टर आ गए, 2, 3 and 5। अगर आप 2, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 30 का। तो इसका मतलब है कि 30 जो है वो इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ये वाला नंबर जो 30 है वो भी डिवाइड हो जाएगा, और जो दूसरा नंबर 60 है वो भी डिवाइड हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इसलिए निकालते हैं कि दोनों नंबर जिस नंबर से डिवाइड, पूरी तरह कम्प्लीटली डिविजिबल हों, तो वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है। इसी तरह उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपको सॉल्व करवाई है, जिसमें 42 और 70 का उन्होंने HCF लिया है। यहाँ पर उसी ऊपर वाले तरीके से HCF उन्होंने फाइंड आउट किया, तो उनके पास आंसर निकला है 14 आंसर। 14 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। हमने कोशिश ये करनी है कि हम ध्यान से ये देखें कि यहाँ पर कितने कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, कोई कॉमन फैक्टर मिस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है फाइंड द HCF ऑफ 42 and 70 बाय डिवीजन मेथड। ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन मेथड जो है वो अब उन्होंने कहा है आपने डिवीजन मेथड से करना है। तो 70 और 42 है, तो हम स्टार्ट करेंगे, 70 को लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, जो स्मॉलर नंबर है 42 उससे। 70 को उन्होंने 42 से डिवाइड किया, तो उनके पास रिमाइंडर हमारे पास आया 28। अब 28 को हम बाहर रखेंगे और 42 को उससे डिवाइड करेंगे, तो फिर हमारे पास रिमाइंडर आया 14। अब 14 को हम बाहर रखेंगे और 28 को डिवाइड करेंगे, तो अब हमारे पास रिमाइंडर आया 0। तो जो हमारे पास जब रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये हमारे पास HCF है, जो कि लास्ट पेज पे भी HCF इन दोनों नंबर का सेम ही निकला था। तो मेथड आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर आपके पास हमेशा सेम ही आएगा। अब तो ये हमने देखा कि ये 2 नंबर्स का हमने HCF फाइंड आउट किया था। अब अगर हमने 3 नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना हो, तो मेथड ये दोनों ही हमारे पास यूज़ होंगे। तरीके का जो हमारा प्रोसीजर है, जो सॉल्व करने का तरीका है, वो सेम ही रहेगा, सिर्फ नंबर्स हमारे पास 3 हो गए हैं, जैसे कि यहाँ पर 12, 24 और 60। तो 12 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स, 24 के प्राइम फैक्टर्स और 60 के प्राइम फैक्टर्स उन्होंने बनाकर ये लिख दिए हैं, और उसमें से जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो उन्होंने निकाल लिए हैं, और फिर उसको जब मल्टीप्लाई किया तो HCF इन तीनों नंबर्स का, 12, 24 और 60 का HCF जो है वो 12 निकला। मेथडोलॉजी वही है, सिर्फ
जो नंबर्स हैं वो तीन हो गए हैं, जो पिछली एग्जांपल्स में दो थे, आप तीन के अलावा चार भी कर सकते हैं, तो मेथड हमेशा सेम ही रहेगा। इसी तरह उन्होंने एक एग्जांपल आपको सॉल्व करवाई है, एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 45, 85 एंड 90 बाय डिवीजन मेथड। ये उन्होंने आपको सब जो एग्जांपल है वो सॉल्व करवाई है। अब हमने जैसे देखा था कि हम स्मॉलर और लार्जर नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं, तो 90 जो है वो लार्ज नंबर है और 45 स्मॉलर नंबर है इनमें, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। लेकिन हमारे पास 45 जो है वो एचसीएफ नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये नंबर भी हमारे पास मौजूद है, तो हम 85 को अंदर रखेंगे और 45 से फिर इसको डिवाइड करेंगे। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 40 रिमाइंडर आ गया। इसको दोबारा हम अंदर ले आए तो फिर हमने डिवाइड किया तो 5 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब 40 को अब इधर ले आए हैं हम, तो इसको डिवाइड करेंगे तो अब रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 0। तो जहां पर हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है, इसका मतलब है कि वही हमारा एचसीएफ है। तो तीनों नंबर्स का जो एचसीएफ है वो हमारे पास 5 आ गया है। इसी तरह उन्होंने एक और एग्जांपल भी सॉल्व की है, इसको आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि इसका एचसीएफ कैसे आया। और इन्हीं तीनों नंबर को आप डिवीजन दूसरे मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं, और दोनों के एचसीएफ को आप कंपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।